जय साईं राम। नमस्कार, मैं बृज मंसूरी आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे दूसरे श्राद्ध यानी पितृ पक्ष के दूसरे दिन दूसरे श्राद्ध में क्या दान करना चाहिए जिससे आपको पूर्ण रूप से लाभ हो। मैंने बताया था कि यदि आप श्राद्ध करते हैं अपने निवास पर तो चांदी अवश्य दान किया करें। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि दूसरे दिन क्या उपाय करना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँगा, मैं प्रतिदिन श्राद्ध का एक उपाय बता रहा हूँ, और यदि आप ग्रहों के उपाय जानना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल पर प्रतिदिन बताया जाता है, प्रतिदिन का उपाय बताया जाता है। आज श्राद्ध का दूसरे दिन का उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आप जरूर करें। आज आपने सफ़ेद वस्त्र और नमक और गुड़, ये तीन चीज़ें दान करनी है। ये दान करने से आपको बहुत तेज़ी से लाभ होगा, पितरों का आशीष प्राप्त होगा और जो नेगेटिविटी हमारे निवास में घुसती रहती है वो नहीं घुस पाएगी। पितृ पक्ष में जो भी उपाय किए जाते हैं वो रिलीज करते हैं पितरों की शक्ति को। जो पितरों के आशीष हमें मिल चुके हैं और हमें मिल नहीं रहे हैं, पितरों ने हमारे लिए दिए हैं या पितरों का पुण्य, जैसे किसी पितर ने पानी की कोई टंकी बना दी या नल लगवा दिया, तो अब उनके जाने के बाद उसमें से जो पानी पीते हैं उसका जो पुण्य होता है वो हमारे लिए रिलीज नहीं होता है। वह तभी होता है जब हम पितृ पक्ष में कुछ खास करते हैं। सपोज कर लीजिए कि किसी ने कोई धर्मशाला बनाई है पितर ने और वो उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उसका जो पुण्य है उनके अगले वंश को मिलता है, यानी हम लोगों को मिलता है। परंतु कई बार ये रिलीज नहीं होता है, हमें मिल नहीं पाता है। परंतु जब हम पितृ पक्ष में ये सब उपाय करते हैं तो वह पुण्य भी हमें मिल जाता है। तो आज का उपाय अवश्य करें और अगले सभी उपाय जानने के लिए प्रतिदिन मेरा ये वीडियो देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे सभी वीडियो मिलते रहें आपको। और इसी के साथ साथ आप कृपया प्रतिदिन का उपाय भी किया करें जिससे सभी ग्रह आपके शांत होंगे और आपको तेज़ी से लाभ होगा, सुख मिलेगा। मैं बृजमोहन सूरी क्षमा चाहता हूँ, यदि कहीं कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आपसे मैं इच्छा रखता हूँ कि आप अधिक से अधिक दिल से ये उपाय करेंगे, जो मैंने उपाय बताए हैं दिल से करेंगे। और यदि आपको कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है, आप व्हाट्सएप कीजिए। और यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमसे दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं खुद देखूं, तो आप व्हाट्सएप कीजिए। 800 रुपये हमारी फ़ीस है, आप पे कीजिए। इसी नंबर पर पेटीएम है, इसी नंबर पर गूगल पे है, उसमें कीजिए या अकाउंट नंबर मांग लीजिए। फिर आपकी जन्म कुंडली देख दी जाएगी, आपको उपाय बता दिए जाएंगे, आप दिल से कीजिए। बाकी ये प्रतिदिन के उपाय हैं, इनको अवश्य कीजिए। ये शक्ति का आगाज होते हैं, इनसे आपके समस्त ग्रह शांत होते हैं। जन्म कुंडली में हमेशा कुछ लोगों के जन्म कुंडली में बड़े बड़े योग होते हैं जो दबे रहते हैं, उनको लाभ नहीं मिलता है। जब वो उपाय कर लेते हैं वहीं लोग तरक्की करने लगते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत गरीब थे, एकाएक अमीर हो गए। कैसे हुए? क्योंकि उनके निवास में किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई योग होता है, उनको पता नहीं होता, जैसे ही पता चलता है वो उसका उपाय करते हैं, ग्रह काम करने लगते हैं, धन तेजी से आने लगता है। तो हो सकता है आपकी कुंडली में भी कोई योग हो सकता है आपकी कुंडली में अमीर बनना लिखा हो, नाम कमाना लिखा हो, एक्टर गायक सिंगर बनना लिखा हो, परिवार का सुख लेना लिखा हो, परंतु आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि योग नहीं है या योग एक्टिवेट नहीं है। जब कुंडली देखेंगे, उपाय निकलेंगे, तभी पता चलेगा। तो अब इजाज़त चाहता हूँ, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। Oh.